दोस्तों परिजात ड्रामे की एंडिंग नॉवल से बिल्कुल मुख्तलिफ होने वाली है। हमने आपको बताया था कि नॉवल के मुताबिक परिजात की एंड में मौत हो जाती है, लेकिन ड्रामे में इसका एंड बिल्कुल अलग दिखाया है। इस ड्रामे की होगी हैप्पी एंडिंग। जैसा कि जावेद ने पूरे इलाके में टॉप किया है, तो एनी अहमद सर का इंटरव्यू लेने के लिए आती है। शर्जील के परिजात को जानता है, वो कुछ कहने की कोशिश करता है तो एनी उसको चुप करा देती है कि नहीं नहीं, मैंने इनसे इंटरव्यू का टाइम ले लिया है, मैं इनसे खुद बात करूंगी। परिजात के पास एनी जाती है और कहती है कि अहमद सर, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। परिजात कुछ नहीं कहता, लेकिन जैसे ही परिजात बच्चे की तारीफ में बोलना शुरू करता है तो एनी वो आवाज़ कैसे भूल सकती है, वो एकदम परिजात की आवाज़ पहचान जाती है। वो एकदम रोने लगती है, कभी वो शर्जील को देखती है, कभी वो परिजात सर को देखती है। फिर वो परिजात के पास जाती है और कहती है कि आप मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चले गए, मेरी दोस्ती को एक मौका तो आप देते। मेरी मोहब्बत, मेरी दोस्ती खूबसूरती की मोहताज नहीं है। लेकिन अब परिजात का मकसद ये है कि मोहब्बत के बग़ैर भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। एनी उससे कहती है कि मैं आपको मौका दूँगी, जब आपका दिल चाहे मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन एनी उससे कहती है कि ये खुद एतमादी आपने मुझे दी थी, अब ये खुद एतमादी मैं आपको देना चाहती हूँ। लेकिन परिजात को अब अपना मकसद पूरा करना है कि मोहब्बत के बग़ैर तो ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, मकसद के बग़ैर नहीं। तो एनी उससे कहती है, अब मेरा भी मकसद यही है, हम दोनों मिलकर इस स्कूल को अकेडमी में तब्दील कर देंगे, वो दोनों मिलकर इस स्कूल को चलाएंगे। ये होगी इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग। मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।